प्रदेश के मैनपुरी के गांव धमनऊ निवासी एक महिला पीआरडी कर्मी के पति की शुक्रवार देर शाम को संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिजनों ने थाने में तैनात मुंशी पर हत्या का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम के बाद भी कोई कार्यवाही ना होता देख परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। सूचना मिलते ही रविवार की सुबह आला अधिकारी कई थानों के फोर्स को लेकर गांव पहुंच गए। वहां परिजनों ने साफ कह दिया कि जब तक मुंशी पर कार्यवाही नहीं होगी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मुंशी को निलंबित किए जाने के बाद पीड़ित परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। थाना बिछुआ क्षेत्र के गांव धमनऊ निवासी उदयवीर की शुक्रवार देर शाम जैली मोड़ के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। इस बीच पुलिस ने हादसे का मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक की पत्नी सुधा ने आरोप लगाया था कि शुक्रवार की शाम थाने में तैनात मुंशी तारा चंद्र पति को साथ ले गया था। उसने 20 दिन पूर्व हुए विवाद के चलते हत्या की है। बताया था कि पति उसे थाने छोड़ने व लेने जाता था, इस वजह से मुंशी से झगड़ा हुआ था। आक्रोशित परिजनों को अधिकारियों ने समझाने बुझाने के बाद पोस्टमार्टम करवाया था। रविवार की सुबह तक जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। एएसपी ओम प्रकाश सिंह, एसडीएम भोगांव सुधीर कुमार, सीओ भोगांव प्रियांक जैन कई थानों के फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजन आरोपी मुंशी के विरुद्ध पहले कार्यवाही की मांग पर अड़े थे। एसपी अजय कुमार पांडे ने आरोपित किए जा रहे मुंशी ताराचंद को निलंबित कर दिया। इसकी जानकारी एएसपी ने मृतक परिजनों को दी। इसके बाद दोपहर 2 बजे शव को अंतिम संस्कार हो सका। किसान उदयवीर की मौत का कारण जानने के लिए पुलिस ने पैनल से शव का पोस्टमार्टम करवाया था। शनिवार को हुए पोस्टमार्टम में भी मौत का कारण पता नहीं चल सका। इसके बाद चिकित्सकों ने बिस्तरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा है। अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। सर, एक पीआरडी में तैनात महिला कांस्टेबल जो थी उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार में दिक्कतें आ रही थी। सर, किन मुद्दों पे अंतिम संस्कार किया गया, पूरा मामला क्या है? ये परसों रात की घटना है। या उदयवी नाम का एक निवासी है, धनौ रहने वाला है। उसकी पत्नी पीआरडी है, वो थाना बिछुआ में ड्यूटी कर रही थी। वो परसों शाम को थाने गया हुआ था जी। आरोप है कि परसों शाम को वहाँ पे एक मुंशी तैनात है ताराचंद नाम का, उसके साथ बैठ कर उन्होंने दारू पी है और बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी जो है डेड बॉडी मिली है रोड पर, रोड के किनारे। आरोप यह है कि उसके द्वारा जो है शराब में कुछ पिला दिया गया है, इस पर आरोप लगाए गए थे। हमारे द्वारा उनको पूरा आश्वासन दिया गया कि जो आपके आरोप हैं कि तहरीर पर जानकारी कराएंगे, सूचना कराएंगे, यदि दोषी पाया हम कार्रवाई करेंगे। फिर भी उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि सच्चाई सामने आए। बहुत गरीब महिला है, परिवार है, उसके लिए जो शासन सहायता उपलब्ध हो सकती है उसके लिए एसडीएम साहब मौके पर आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमको सब योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।